यहाँ का जो हमारा मेन कंसेप्ट है कि ऑफ सीजन क्रॉप्स फार्मर्स को तैयार करके देना। ये एक विश्वसनीय स्रोत है जहाँ से आप अच्छी और बीमारी मुक्त पौधा आप यहाँ से पा सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं ग्रीन टीवी। मैं हूं स्मिता सिंह और आज हम मौजूद हैं करनाल के घरोंडा में, जहां पर इंडो इजराइल प्रोजेक्ट का जो पूरा सेटअप है वो खड़ा किया गया था और वहीं पर हम आए हैं। यहां हाईटेक ग्रीन हाउस है जिसमें पौध तैयार की जाती हैं, सीडलिंग्स तैयार किए जाते हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट हैं, ग्रीन हाउस एक्सपर्ट हैं, इनका नाम है नीरू जी। तो नीरू जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका ग्रीन टीवी में। थैंक यू। नीरू जी, एक बात बताइए कि ये जो सीडलिंग्स तैयार किए जाते हैं और एक जो आम पौध बाहर तैयार की जाती है खुले में, दोनों के तैयार होने के समय में कितना फर्क होता है? मैम, इसमें हम लोग ऑफ सीजन क्रॉप्स तैयार करते हैं, जैसे प्रोटेक्टेड में जो भी क्रॉप्स फार्मर्स ऑफ सीजन क्रॉप्स लेना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल कलर्ड कैप्सिकम हो गया, तो उसका जो हमारा ट्रांसप्लांटिंग टाइम जो रहता है फार्मर्स का अपने फील्ड पे, वो जुलाई अगस्त रहता है। तो उसमें हम मई जून में हम नर्सरी यहाँ पे तैयार करते हैं। तो सीजन हम ऑफ सीजन क्रॉप्स के लिए ज़्यादा बेटर है ये जो क्रॉप है जो हम सीडलिंग्स तैयार करते हैं ऑफ सीजन क्रॉप्स की सीडलिंग, क्योंकि ऑफ सीजन अगर जो आप मान लीजिए ऐसे ही आप सीजनल क्रॉप्स अगर जो आप ट्रांसप्लांट करते हैं अपने फील्ड में, उसकी नर्सरी आपको कहीं से भी अवेलेबल हो जाती है। बट यहाँ का जो हमारा मेन कंसेप्ट है कि ऑफ सीजन क्रॉप्स फार्मर्स को तैयार करके देना, और सबसे मेन बात कि डिजीज़ रेजिस्टेंट क्रॉप हो और इंसेक्ट पेस्ट फ्री क्रॉप हो, जो हमारी सीडलिंग्स हैं वो हम देने की कोशिश करते हैं। तो ऑफ सीजन क्रॉप्स में कौन कौन से क्रॉप हैं जिनके यहाँ पर सीडलिंग्स तैयार किए जाते हैं? मैम, वैसे तो हम लोग फार्मर चॉइस पे ही करते हैं, उनका जो भी चॉइस रहती है। मेनली हम लोग कलर्ड कैप्सिकम करते हैं, टमेटो करते हैं, चेरी टमेटो करते हैं, पार्थिनो कार्पिक कुकुम्बर किया जाता है यहाँ पे, और जैसे मस्क मेलन है, वाटरमेलन है, और जो ये गॉड्स हैं वो सारी यहाँ तैयार की जाती हैं। अच्छा, अभी यहाँ पर जो भी सीडलिंग्स तैयार हो रहे हैं, मान लीजिए कुकुम्बर का ही अगर हम ले लें, तो कितना टाइम लगता है बीज ट्रे में डालने से लेकर उसको कंप्लीट एक पूरा पौध बनने में कितना समय लगता है? मैम, वो 10 to 15 days, 10 से 15 दिन में तैयार हो जाती है। और अगर कोई किसान नॉर्मल एक पॉली हाउस खड़ा करके उसमें साधारण तरीके से अगर पौध तैयार करे तो उसे कितना टाइम लगेगा? मैम, उससे उसमें भी इतना ही टाइम लगता है, बट उसमें डिजीज़ सॉयल बॉर्न डिजीज़ आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि वो सॉयल में तैयार की जाती है। यहाँ हम सॉयललेस मीडिया यूज़ करते हैं, यहाँ पे हमारी पौध जब हम तैयार करते हैं उसमें मिट्टी का कहीं भी यूज़ नहीं किया जाता। अच्छा, ये मतलब पूरा वो कोकोपिट वगैरह? कोकोपिट हम लोग यूज़ करते हैं, परलाइट यूज़ करते हैं, वर्मिकोलाइट, इन तीनों का मिक्सचर रेशियो लेके 3:1:1 रेशियो लेके इसमें हम लोग सीडलिंग्स तैयार करते हैं। अच्छा नीरू जी, आपने बताया कि जो सीडलिंग्स होते हैं वो फार्मर डिमांड पर तैयार होते हैं, तो मान लीजिए मैं एक किसान हूँ और मुझे 1,000 या 2,000 पौध चाहिए, तो उसका ऑर्डर मैं कैसे प्लेस करूँगी उसके लिए, और कितना पर पौध मुझे कितना चार्ज करना होगा, वो सब भी बताएं। मैम, हमारा जो ऑर्डर प्लेस करने के लिए यहाँ एडवांस में बुकिंग्स होती हैं, तो फार्मर्स का सीड रहता है, बट अभी हरियाणा गवर्नमेंट ने कुछ सीड्स पे, कुछ वैराइटीज़ पे सब्सिडी भी दी है, 50% सब्सिडी पे सीड प्लस सीडलिंग कॉस्ट पे। बट अगर जो हम जैसे कुछ क्रॉप्स पे सब्सिडी नहीं है, जैसे कि गॉड्स हो गई, तो उसमें हम फार्मर को 1 रुपी पर प्लांट चार्ज किया जाता है। अच्छा, यानी ये कॉस्ट तो बहुत कम है, जो अगर आप बाहर प्राइवेट किसी से सीडलिंग्स लेते हैं तो काफ़ी कॉस्टली होता है वो। हाँ जी, कॉस्टली होता है, कॉस्टली तो मतलब अगर जो हम लोग फार्मर्स के सीड से तैयार करते हैं, कॉस्टली नहीं कह सकते, ये कह सकते हैं कि यहाँ की जो क्वालिटी है सीडलिंग्स की वो उनसे बिल्कुल डिफरेंट और बहुत अच्छी होती है। हेल्दी सीडलिंग्स हम लोग प्रोवाइड कराते हैं फार्मर्स को, और सबसे बड़ी बात मैंने आपको बताया, सॉयल बॉर्न डिजीज़ नहीं आ सकती इसमें, और इंसेक्ट पेस्ट फ्री रहता है, क्योंकि ये सारा प्रोटेक्टेड में तैयार किया जाता है। अच्छा, जैसे एक और आपने बताया कि पूरा मीडिया एक आप तैयार करते हैं, कोकोपिट यूज़ होता है, मिट्टी इसमें यूज़ नहीं होती है। हाँ जी। तो अगर कोई फार्मर यहाँ से सीडलिंग्स लेता है, पौध लेता है, तो क्या उसे पॉली हाउस में इनको लगाना होगा? मतलब ये पॉली हाउस वाली ही क्रॉप्स हैं क्या? नहीं मैम, पॉली हाउस एज वेल एज ओपन फील्ड की भी हम लोग तैयार करते हैं। इन सीडलिंग्स को हम पॉली हाउसेस में भी लगा सकते हैं और ओपन फील्ड में भी ट्रांसप्लांट होती हैं ये। अच्छा, तो एक सजेशन जो आप फार्मर को अगर दे सकें कि
अगर कोई किसान है, छोटा किसान है, तो उसके लिए यहाँ से पौध खरीदना ज़्यादा फायदेमंद रहेगा या प्राइवेट किसी नर्सरी से पौध खरीदना फायदेमंद होगा? उनको, क्योंकि वो छोटे पर किसान है, अगर जो वो अपना जैसे बाहर से सीडलिंग खरीदते हैं, अगर जो वो इन्फेक्टेड सीडलिंग्स होगी तो उनकी सारी कॉस्ट, वो जितना भी उन्होंने पैसा बेशक से यहाँ से थोड़ा कम दिया या कैसे भी ज़्यादा दिया, तो वो उनका ख़राब ही है। तो यहाँ से आपको मतलब एकदम ऑथेंटिकेटेड लगा लीजिए, आपको सीडलिंग्स मिलेंगी, डिजीज़ फ्री मिलेंगी, इंसेक्ट पेस्ट फ्री सीडलिंग्स मिलेंगी, तो यहाँ से उनको ज़्यादा बेटर है। तो ये एक विश्वसनीय स्रोत है जहाँ से आप अच्छी और बीमारी मुक्त पौधा आप यहाँ से पा सकते हैं। एक और चीज़ नीरू जी आपसे पूछना चाहूँगी कि अगर कोई बड़ा किसान है और वो हाईटेक ग्रीन हाउस लगाना चाहता है सीडलिंग्स के लिए, तो जो कुल लागत उसकी आती है उस पर कोई सब्सिडी का प्रावधान राज्य सरकार की तरफ से भी है? हाँ जी मैम, उस पर सब्सिडीज देती है गवर्नमेंट। हाईटेक ग्रीन हाउस अगर जो कोई अपना लगाना चाहता है, सब्सिडी है उस पर 65% सब्सिडी है। 65% सब्सिडी और 35% फार्मर को खुद लगाना होगा। FPOs मिलकर भी लगा सकते हैं? बिल्कुल मैम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नीरू जी आपका। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी। तो दोस्तों, ये थी डॉक्टर नीरू, हाईटेक नर्सरी एक्सपर्ट, जिन्होंने आपको बताया कि अगर आप सीडलिंग्स यहाँ से लेते हैं तो एक विश्वसनीय स्रोत है जहाँ से आप अच्छी पौध प्राप्त करके अच्छी उपज ले सकते हैं। अगर आप खुद का ग्रीन हाउस, जो हाईटेक ग्रीन हाउस है, वो लगाना चाहते हैं तो आपको 65% सब्सिडी का भी प्रावधान है राज्य सरकार की ओर से। जो भी आपको बेहतर लगे वो आप कर सकते हैं। फिलहाल आज के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, फिर मिलूंगी आपसे किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें। कृषि और किसान सशक्तिकरण की इस मुहिम को सफल बनाने में आप भी ग्रीन टीवी को सहयोग कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करिए, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी आप ग्रीन टीवी को सहयोग कर सकते हैं।